नमस्ते दोस्तों, कैम छो मजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे ग्राफ्टेड अरेरियम में फ्लावर आया हुआ है। कलियाँ तो काफ़ी सारी बनी थी पर मैंने तोड़ दी, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगता था खिलने के लिए, तो फिर मैंने कलियाँ तोड़ दी और ब्रांच भी प्रून कर दी। मैंने वीडियो में आगे आपको दिखाया था। तो आज मैं अरेरियम प्लांट में फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये देखिए ये ग्राफ्टेड है और देसी वाले में भी मेरे कलियाँ बन रही है, और उसमें क्या मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, किस तरह केयर करता हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके अरेरियम में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा कि किस तरह हमें केयर करनी चाहिए अरेरियम की, ताकि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो वही हमारा आज का टॉपिक है। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात बताओ, तो देखिए मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट है और फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। देखिए अब इसमें कलियाँ बनी हुई है। ये मेरा बड़ा वाला प्लांट है, इसमें देखिए एक भी ब्रांच ऐसी बाकी नहीं है जिसमें कलियाँ ना बनी हो। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए सीड ग्रो प्लांट है, उसमें भी कलियाँ बन रही है। तो इसमें क्या फर्टिलाइज़र दिया है, कैसे जगह पे मैंने रखा है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैंने जिस जगह पे रखा है वहाँ पे देखने जाओ तो इस टाइप इस जगह पे पूरे दिन की धूप आती है, थोड़े प्लांट को नहीं मिलती, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हमारे धूप भी ऐसे आती नहीं है। एक आध दो घंटे की धूप आ जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कल लगभग 15-20 दिन से अच्छे से धूप नहीं मिली प्लांट को, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो इसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया था वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें दिया था वो था, सबसे पहले मैंने दिया इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद ये देखिए ये गमला है, ये सबको मैंने रिपोर्ट भी किया है, प्लांट को रिपोर्ट करके उसमें मिट्टी भी बनाई थी। काफ़ी सारे प्लांट मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है, थोड़े प्लांट ही मेरे बाकी थे जिसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया। तो फर्टिलाइज़र में मैंने थोड़ी थोड़ी ऊपर की मिट्टी है वो इसको हटा के ये देखिए इस तरह से करके चारों तरफ ऐसे गोल गमले में वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर बिछा दी थी, फिर मिट्टी से ढक दिया था। लगभग ये मैंने 10 दिन तक रहने दिया, और इसके बाद मैंने इसमें दिया था NPK 19-19-19। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला फर्टिलाइज़र मैंने दिया था NPK 19-19-19। ये वाला फर्टिलाइज़र मैंने जो छोटे प्लांट है इसमें भी दिया, बड़े प्लांट में सब में दिया, इससे ग्रोथ भी अच्छी होती है। NPK 19-19 देने के बाद मैंने लगभग 5 दिन जाने दिए, 5 से 6 दिन। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन सब में मैंने ह्यूमिक एसिड डाला था। इससे क्या है कि प्लांट की ग्रोथ और जड़ें दोनों मजबूत होती है। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है, ये कोडेक्स है, कोडेक्स थोड़ा बढ़ता है हमारे प्लांट का, और ये देखिए इस तरह से कोडेक्स बढ़ता है और प्लांट अपनी जड़ों का विकास बहुत जल्दी करता है। तो बारिश का पानी मिलता है तो प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है और कोडेक्स भी अच्छा बनता है, इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र अच्छा देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ह्यूमिक एसिड दिया था, ह्यूमिक एसिड, और उससे पहले दिया था NPK 19-19-19 फ्लावरिंग के लिए। आपके पास बोन मिल है तो बोन मिल भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मैंने फर्टिलाइज़र दिया। आप जब भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक हो या केमिकल वाला, थोड़ा थोड़ा गैप दे दीजिए। सभी फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक को भी और केमिकल को भी, ताकि हमारे प्लांट एडजस्ट हो जाए, इस तरह से सेट हो जाए। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में हम केमिकल फर्टिलाइज़र दें तो कोई बात नहीं, उसमें दे सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ में अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था। तो अभी देखिए आज धूप थोड़ी सी निकली है, और प्लांट में मेरे सारे प्लांट में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, बस 2-3 प्लांट में हुई है। ये जो बड़ा वाला प्लांट, इसमें एक सीड ग्रो प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है, उसमें भी कलियाँ बन रही है। और जो हाइब्रिड वाला है उसमें तो काफ़ी सारी कलियाँ बनी थी, मैंने तोड़ दी, क्योंकि ये प्लांट मैंने रिसेंटली ला के रिपोर्ट किया था नर्सरी से ला के, वो पूरा कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट था। तो इसको मैंने पूरा कोकोपीट हटा के नई मिट्टी बना के इसको रिपोर्ट किया था, इसी वजह से मैंने सारी कलियाँ तोड़ दी। बस फ्लावर देखने के लिए मैंने कलियाँ रखी थी कि डबल पेटल आता है, कैसा फ्लावर आता है भाई। तो बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है, और रिपोर्टिंग किया है अच्छे से सेट नहीं हुआ, इसलिए फ्लावर पूरा खिला नहीं है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करोगे तो आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा।
तो आपका मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।